क्या तैयारी है फिलहाल? आदरणीय राहुल गांधी जी, यूपी 27 साल यूपी बिहार यात्रा में जो चल रही है वो 4 तारीख को नाइट स्टे करेंगे और 5 तारीख की सुबह हम लोग बोध विहार कार्यक्रम में जाएंगे। उसके बाद बेहट में जनसभा है, जनसभा की तैयारियां हमारे पूरे बेहट विधानसभा और दूसरे लगे हुए क्षेत्र में उनसे बहुत बड़ी संख्या में किसान मजदूर और दूसरे तबकों के लोग वहाँ पर जनसभा में शामिल होंगे जिसको राहुल जी संबोधित करेंगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग वाया कलसिया चुपकपुर होते गांगलेडी खाट सभा में जाएंगे राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी की खाट सभा में लगभग 20,000 किसानों को जो खाट सभा में शामिल होंगे संबोधित करेंगे। खाट सभा के बाद हम लोग राहुल गांधी जी का काफिला देवबंद दारुलूम जाएगा, दारुलूम में वहाँ उलेमाओं से बातचीत कर वो मेरठ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जनपद सहारनपुर में हमारे इमरान मसूद जी के नेतृत्व में और अपनी पूरी जिला कांग्रेस के बच्चे तमाम लोगों के नेतृत्व में जोरों की तैयारियां हैं और बहुत ही ऐतिहासिक सहारनपुर जनपद में जो प्रोग्राम है इन कार्यक्रम में कितनी भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए? जनसभा में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 20,000 लोग जनसभा में होंगे और खाट सभा में 20,000 प्लस ही होंगे दोनों जगह। और प्रयास ये जो कि पिछले 15 दिन से सभी लोग गांव दर गांव ये यात्रा की जानकारी दे रहे हैं, लोग बड़े उत्साह के साथ अपने वाहनों से इन सभी जगहों में शिरकत करेंगे और उम्मीद है कि दोनों कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। यूपी में जो है किसानों की मानी जाती है, यूपी किसानों की समस्याएं भी बहुत हैं, तो खाट सभा जो आयोजित की जा रही है उसमें किसानों के किन मुद्दों को रखा जाएगा? किसानों के बहुत सारे मुद्दे लेकर के राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, खासतौर से किसान का जो कर्जा है वो माफ़ करने की बात हो रही है और वो मांग पत्र के माध्यम से कई करोड़ मांग पत्र पूरे उत्तर प्रदेश से भरे जा रहे हैं, बल्कि भारत की तो बात मुझे नहीं मालूम। वो सब लेकर के राहुल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंतर मंतर पर वो सौंपेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के उन कर्जों को माफ़ करती है, बिजली का भी माफ़ करती है तो ठीक है, हम दबाव बनाएंगे राजनीतिक रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो कांग्रेस सरकार में आएगी तो जो उत्तर प्रदेश के मसले हैं उत्तर प्रदेश के स्तर पर और जो देश के मसले हैं उनको देश के स्तर पर कांग्रेस उस निश्चित रूप से जो वादे कर रही है उनको निभाने का काम। इसी के आपसे बात करने के लिए धन्यवाद।